हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम फीट वॉश की वीडियो लेकर आइए, तो आज मैं ये वाला लेकर आई हूँ फीट वॉश। इससे आज मैं करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास है, देखिए क्या है, इनारा का ये सावर जेल है। तो ये लिक्विड है और मैं क्या करती हूँ ना कि ये मेरे पास है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, बट इससे हम लोग अपना पैर या फिर हाथ या पूरा बॉडी में इसमें लिक्विड में गिरा लेती हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से पूरा बॉडी को रगड़ती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। बहुत अच्छा साफ हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी महसूस होता है। ये अक्सर गांव देहात में मिलता है और ये बनता है नेनुआ से। नेनुआ आपने खाया ही होगा, उसको और जगह क्या क्या नाम बोलते हैं मुझे तो नहीं मालूम, बट मैं इसका नाम मेंशन कर दूंगी। और ये लिक्विड में है और ये 30 ml है। वैसे ये जो सावर जेल है वो मेरे हस्बैंड ही लाए थे। जब वो मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे जो मिलता है, मैं बोलती हूँ कि वो सब ले आया करिए, मुझे पसंद आता है, उसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। क्योंकि ये यहाँ घर से साबुन वगैरह, अपना शैम्पू तेल सब कुछ लेके जाते हैं, तो फिर मैं बोलती हूँ कि वहाँ से आप ले आया करो, क्योंकि वो बाहर का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं इसे मंगवा लेती हूँ। तो आज इसी के साथ मैं अपने फीट वॉश करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसे करें। तो यहाँ पे ये देखिए, ये नेनुआ का बना होता है, इस तरह से इसमें बीज होते हैं। अभी तो इसमें शायद बीज नहीं होंगे क्योंकि मैं इससे ना 3-4 बार वॉश कर चुकी हूँ, अपने पूरे बॉडी को रगड़ चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट भी हो गया है। नया नया में मतलब ये जब बिल्कुल एक बार भी यूज़ नहीं हुआ था तो काफ़ी अच्छा था। सबसे पहले देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको गीला करेंगे। देखिए इस तरह से इसको पहले यहाँ गीला कर लेंगे। जब ये गीला हो जाए तो ये सावर जेल मैं इसमें निकालूंगी। इसके साथ आप चाहे तो साबुन भी लगा करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सावर जेल है तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए इतना थोड़ा सा मैं गिराऊंगी, इतना ही से काफ़ी ज़्यादा इसमें झाग आने लगते हैं। इसको मैं बंद कर दूंगी। पैरों को गीला करूंगी, यानी जहाँ पे भी इसकी मदद से रगड़ना है, वैसे तो फीट वॉश की वीडियो है तो पैरों को गीला करूंगी। उसके बाद देखिए इसमें मैं जेल ली हूँ यहाँ, अब मैं इसको यहाँ पे पैरों में लगाऊंगी। इससे जो भी हमारे डेड स्किन होते हैं, मैल होता है, धूल चिपक जाते हैं, जो भी मिट्टी गंदगी होती है, सभी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। उंगलियों को भी अच्छे से साफ करूंगी मैं। इसको चाहे तो आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। लंबा मैं इसलिए रखती हूँ ना ताकि जैसे पीठ वगैरह रगड़ने के काम आता है तो अच्छा रहता है। ये लंबा भी इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ लेती हूँ, फिर पीठ भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पैरों को करना है तो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर ली हूँ। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। साथ ही अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आएगी तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसी से मैं नीचे भी सोल में भी इसको अच्छे से रगड़ूंगी ताकि ये भी साफ हो जाए। पैरों के नाखून को भी अच्छे से रगड़ती हूँ मैं इसको, इस तरह से।
और ये जो पैरों के बीच जो जगह होती है ना, उंगलियों के बीच, इसमें भी मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाती है। देखिए ऐसे, दोनों हाथों से पकड़ के भी इस तरह से साफ कर सकते हैं। चाहे तो दोनों पैरों को एक साथ भी वॉश कर सकते हैं। देखिए इस तरह से